Let us start miscellaneous exercise of straight line that is on chapter 10. In this exercise, concept of all questions from this exercise is based on the chapter which we have already done, right? So before starting this exercise, let us see what happened with slope when a line is parallel to x-axis. This is x-axis, this is y-axis, and this is any line passing through A and B, and this line is parallel to x-axis. We all know when a line is parallel to x-axis, its slope is always 0. And the second case, when a line is parallel to y-axis, then its slope is not defined. Correct? Suppose this equation ax plus by plus c is equal to 0. General equation of line. So what will be slope of line? M is equal to minus a by b. Minus coefficient of x upon coefficient of y. Right? If line is parallel to x-axis, if line is parallel to x-axis, line अगर x-axis के parallel है, तो slope क्या होगा? 0. And what is slope? Slope is minus a by b. Minus a by b will be 0. Solving this, you will get a is equal to 0. Correct? यानी कि लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है देन a क्या होगा 0 एंड व्हाट इज a कोफिशिएंट ऑफ x यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होना चाहिए 0 सेकंड इफ लाइन इज पैरेलल टू y-axis. Line अगर y-axis के parallel है, then slope क्या होना चाहिए? Non-defined. जानते हैं उस case में slope क्या होता है? Not-defined. M is equal to not-defined. And what is M? Minus A by B. Is not-defined. माइनस ए बाई बी इज नॉट डिफाइंड ए बाई बी एक फ्रैक्शन है एंड कोई भी फ्रैक्शन डिफाइंड कब नहीं होता व्हेन इट्स डिनोमिनेटर इज जीरो बी इज जीरो व्हाट इज बी इन द इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई इंप्लाइज कोफिशिएंट ऑफ वाई शुड बी जीरो फॉर ए लाइन to be parallel to y-axis, coefficient of y क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. And x-axis के parallel होने के लिए क्या होना चाहिए? Coefficient of x 0 होना चाहिए. Third part, if line passes through origin, if line passes through origin. Line अगर origin से pass करती है, line की equation क्या थी हमारे पास? ax plus by plus c is equal to 0. In that case, line origin से pass कर रही है, coordinate of origin are 0, 0.
देयरफॉर ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। यानी कि जीरो, एक्स के जगह हम जीरो डाल सकते हैं, वाई के जगह जीरो डाल सकते हैं, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इफ यू सिंप्लाई इट, यू सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट सी इज इक्वल टू जीरो। कॉन्स्टेंट हम आपकी क्या आ गई, जीरो। कहने का मीनिंग ये है, इफ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, इन दैट केस कॉन्स्टेंट ऑफ इक्वेशन विल बी जीरो। लाइन की इक्वेशन में जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल लाइन किस टाइप की होगी, टू वाई, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, कुछ और भी हो सकती है, बट कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होगी, एक्स इज इक्वल टू वाई, कुछ इस टाइप से इक्वेशन हो सकती है, करेक्ट। क्वेश्चन वन, फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइन। क्वेश्चन वन में हमें गिवन है इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, हमें के फाइंड करना है अंडर डिफरेंट कंडीशन, एंड द फर्स्ट कंडीशन इज दैट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो लाइन के एक्स एक्सिस के पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, वी नो, अभी हम पढ़ के आए हैं, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल तब होती है व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। यानी कि हम क्या लिखेंगे, के माइनस थ्री इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, विच विल गिव यू के इज इक्वल टू थ्री, राइट। सो डिफरेंट पार्ट्स में हमें जो के की वैल्यू फाइंड करनी थी अंडर डिफरेंट कंडीशंस, फर्स्ट पार्ट के लिए हमने सिंप्लीफाई किया, एंड फर्स्ट पार्ट के लिए के इज माइनस, के इज थ्री। सेकेंड पार्ट हम पीछे करके आए हैं, फॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस कॉफिशेंट ऑफ वाई क्या होना चाहिए, जीरो। सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या रखेंगे, फोर माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, विच विल गिव यू के इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। सो सेकेंड पार्ट के लिए के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, टू। थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन के लिए, फॉर लाइन टू पास थ्रू ओरिजिन कॉन्स्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए, जीरो, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। सो के स्क्वेयर माइनस सेवन के प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, यू विल सिंप्लीफाई इट, सो यू विल फाइंड बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग के स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, विच विल गिव यू के स्क्वेयर, सॉरी के कॉमन ले सकते हैं आप, के माइनस सिक्स माइनस वन, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज के एक्चुअली, सिक्स के प्लस के, सिक्स के माइनस के, यहाँ से माइनस आप कॉमन लेंगे, यू विल गेट के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज के माइनस सिक्स को आप कॉमन ले सकते हैं, के माइनस सिक्स, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो और के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो यू विल गेट के इज इक्वल टू सिक्स और के इज इक्वल टू वन। थर्ड पार्ट में था लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन ओरिजिन से पास करती है, उस कंडीशन में व्हाट विल बी के, लाइन जब ओरिजिन से पास करती है इन दैट केस कॉन्स्टेंट टर्म ऑलवेज रिमेन्स जीरो, इसलिए हमने लाइन की जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको जीरो पुट किया, एंड वी गॉट के इज इक्वल टू सिक्स एंड वन, राइट। सो अंडर डिफरेंट कंडीशंस यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
क्वेश्चन टू, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी इफ एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ये नॉर्मल फॉर्म हमें गिवन है, राइट? इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड जो लाइन दी हुई है, फर्स्ट वाली लाइन है, उसकी नॉर्मल फॉर्म है। हमें थीटा और पी की वैल्यू फाइंड करनी है। द मीनिंग इज दैट हमें इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। ओके, ये हम पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप राइट में लिखेंगे, रूट थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टू। आफ्टर दैट जो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, मैंने बताया कि जो कांस्टेंट टर्म है राइट में उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर माइनस टू है तो इसके साइन को हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस को लेफ्ट साइड में रखेंगे, सो माइनस रूट थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू। अब आपके पास राइट साइड पॉजिटिव है। आफ्टर दैट जो कॉफिशियंट ऑफ ए है दैट विल बी ए, सो ए इज माइनस रूट थ्री इन दिस क्वेश्चन। जो वाई का कॉफिशियंट है दैट इज बी, सो बी इज माइनस वन। एंड यू नीड टू फाइंड अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अंडर रूट ए स्क्वेयर विल बी थ्री, माइनस का स्क्वेयर पॉजिटिव हो जाएगा। बी स्क्वेयर इज माइनस वन, उसका स्क्वेयर भी क्या होगा, वन। सो फाइनली यू विल गेट टू, रूट फोर इज टू, करेक्ट? एंटायर इक्वेशन को आप टू से डिवाइड करेंगे, राइट? सो द इक्वेशन विल बी माइनस रूट थ्री बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू वाई इज इक्वल टू वन, करेक्ट? नेक्स्ट स्टेप इज, अब इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी से। तो बाई कंपेरिजन पी तो हम लिख सकते हैं, व्हाट इज पी, वन। माइनस रूट थ्री बाई टू किसके इक्वल होना चाहिए, कॉस थीटा के इक्वल। सो लेट विच इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू, एंड माइनस हाफ किसके इक्वल होना चाहिए, साइन थीटा के इक्वल। सो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, करेक्ट? इन दोनों की हेल्प से यू विल फाइंड थीटा। दोनों ही कॉस थीटा और साइन थीटा नेगेटिव हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट होता है जहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों नेगेटिव होते हैं। सो थीटा की वैल्यू हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। जैसे मैं कॉस से फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू, माइनस को एज इट इज रहने दीजिए, रूट थ्री बाई टू। कॉस की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, जहाँ कॉस क्या होता है, रूट थ्री बाई टू, विच इज कॉस ऑफ पाई बाई सिक्स, यानी कि 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री इज माइनस रूट थ्री बाई टू। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स। अब इस एंगल को हमें थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है, बिकॉज थर्ड ही एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस एंड साइन दोनों ही नेगेटिव होते हैं। इसके आप लिए आप लिखेंगे कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाई सिक्स, कॉस 180 प्लस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड कॉस थीटा विल बी नेगेटिव। सिमिलर केस विल हैपन विद साइन। साइन के लिए भी आप इस टाइप से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ दिस इज 7 पाई बाई 6, करेक्ट? यानी कि थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6, दिस विल गिव यू थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6। ओके, सो साइन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। साइन क्या होगा, साइन ऑफ 7 पाई बाई
सिक्स, साइन सेवन पाई बाई सिक्स माइनस हाफ होगा एंड कॉस सेवन पाई बाई सिक्स माइनस रूट थ्री बाई टू है। दिस इम्प्लाइज माइनस रूट थ्री बाई टू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस रूट थ्री बाई टू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस सेवन पाई बाई सिक्स। सो दिस विल बी कॉस ऑफ सेवन पाई बाई सिक्स एक्स माइनस हाफ, इस कंप्लीट माइनस हाफ की जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन सेवन पाई बाई सिक्स। सो दिस इज साइन ऑफ सेवन पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू वन, राइट। अब इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, यू विल गेट थीटा सेवन पाई बाई सिक्स एंड पी इज इक्वल टू, सॉरी पी इज इक्वल टू वन, वेयर पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन एंड थीटा इज द एंगल विथ दिस परपेंडिकुलर मेड विद एक्स एक्सिस। ऑल राइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री में हमें गिवन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर वन एंड माइनस सिक्स। ये हमें एक लाइन गिवन है, इस लाइन ने सपोज एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट्स कट किए हैं दो जार ए एंड बी। क्वेश्चन हमें ये कहता है ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, इंटरसेप्ट का सम वन है, ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस सिक्स, इंटरसेप्ट का जो प्रोडक्ट है दैट इज माइनस सिक्स। नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, राइट। यानी कि ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए वी नीड टू फाइंड ए एंड बी, जैसे ही हमें ए बी मिलेंगे वी कैन ईजीली राइट इट्स इक्वेशन। ओके, ए बी में हमें दो इक्वेशन गिवन है, दो अननोन है एंड सॉरी दो ही इक्वेशन है। सो आप क्या कर सकते हैं, एज ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, एज ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, सो वी कैन राइट बी इज इक्वल टू वन माइनस ए। सपोज दिस इज इक्वेशन वन, ऑल्सो ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिक्स, विच इम्प्लाइज यहाँ पर हम जो बी की हमने वैल्यू फाइंड की है वन माइनस ए वो रिप्लेस करेंगे, ए इंटू बी के जगह आपको क्या डालना है, वन माइनस ए एंड विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिक्स। दिस इम्प्लाइज दिस विल बी ए माइनस ए स्क्वेयर, ए माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू के उधर जो माइनस सिक्स है उसको हम लेफ्ट में रख सकते हैं, माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर इस इक्वेशन से माइनस कॉमन लिया जाए इट विल बिकम ए स्क्वेयर माइनस ए, इट विल बिकम प्लस सिक्स, प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। माइनस अगर हम कॉमन लेंगे ए माइनस का होगा और सिक्स क्या होगा माइनस में, राइट। दिस इम्प्लाइज इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस थ्री ए प्लस टू ए, आई होप एवरी वन नोज अबाउट इट, माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज ए को अगर कॉमन रखा जाए देन इट विल बी ए माइनस थ्री प्लस टू इंटू ए माइनस थ्री विच इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज the two factors will be a plus 2 and a minus 3 is equal to 0. This will give you a is equal to minus 2 and 3. If we take a minus a 3, a 2, if we take a is equal to minus 2, then according to this,
व्हाट शुड बी बी, बी शुड बी 3, ए को अगर माइनस 2 लेते हैं देन बी विल बी 3, एंड इफ वी टेक ए इज इक्वल टू 3, इफ ए इज इक्वल टू 3 इट विल गिव यू बी इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। ए और बी आ गए हमारे पास। नाउ व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने लिखी है राइट साइड में, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ लाइन जो फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक्स अपॉन माइनस 2 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, एंड जो सेकेंड सेट ऑफ वैल्यूज है वहाँ से क्या होना चाहिए, एक्स अपॉन 3 माइनस प्लस वाई अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1। दीज टू इक्वेशन आर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 इज 4 यूनिट, राइट। क्वेश्चन हमें गिवन है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जो लाइन है इस लाइन का एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है दैट इज 3 यूनिट, एंड वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है विच इज 4 यूनिट, एंड क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट। डिस्टेंस दिस इज 3 दिस इज 4, राइट। अब वाई एक्सिस पे हमें एक पॉइंट ढूंढना है, सपोज दैट पॉइंट इज ए, लेट ए वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, 0 वाई वन टाइप, ए 0 वाई वन बी रिक्वायर्ड पॉइंट, यानी कि ए वो पॉइंट है ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज 4, राइट। ओके, अगर लाइन की इक्वेशन 1 को हम जनरल इक्वेशन में चेंज करें देन इट विल बिकम बाय 1 4 एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 12, ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन इट विल बिकम 4 एक्स प्लस 3 वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन दिस इज इक्वेशन 2 से, एंड इस लाइन का ये इक्वेशन जिस लाइन को रिप्रेजेंट करती है उस लाइन का जो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज 4 यूनिट। ए पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 यूनिट। सो हम वो डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, देयरफॉर 4 इज इक्वल टू इस लाइन का ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, एक्स के जगह 0 पुट करना है 3, वाई के जगह क्या पुट किया जाएगा, वाई वन माइनस 12 अपॉन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला हम पहले पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ए स्क्वेयर इज 16 एंड बी स्क्वेयर इज 9, विच विल गिव यू मॉड हटाएंगे तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 3y1 माइनस 12 अपॉन दिस इज 25 एंड रूट 25 इज 5, करेक्ट। नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट बाय टेकिंग टू साइंस, वन ऑफ माइनस एंड वन ऑफ प्लस, विच इम्प्लाइज माइनस 4 इज इक्वल टू
थ्री वाई वन माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव एंड फोर इज इक्वल टू थ्री वाई वन माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव. दिस इम्प्लाइज माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू थ्री वाई वन माइनस ट्वेल्व. दिस विल गिव यू थ्री वाई वन इज इक्वल टू एट माइनस एट. इम्प्लाइज y1 is equal to minus 8 by 3. And in second part में क्या होगा? 20 is equal to 3y1 minus 12. So 3y1 is equal to 20 plus 12. 12 second side में जाके positive हो जाएगा 32. Implies y is equal to, y1 is equal to 32 by 3. y1 की दो value आ गई. इसका मतलब है कि y एक्सिस पे दो पॉइंट ऐसे होंगे जिनका इस लाइन से डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट. सो द फर्स्ट पॉइंट सपोज इट इज ए, इट विल बी 0 एंड माइनस 8 बाई 3. एंड द सेकेंड पॉइंट इज 0 एंड 32 बाई. सो दिस इज बी पॉइंट आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स. ए एंड बी आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स. ओके, next question is fifth question. And in fifth question, find perpendicular distance from origin to the line joining points cos theta sin theta and cos phi sin phi. Do point hame diya given hai. Suppose these points are A and B. Right? इनको जो लाइन ज्वाइन करती है उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. राइट, ये सपोज लाइन है और लाइन का हमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है. करेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी. सो यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. सो इक्वेशन ऑफ लाइन, equation of line is y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Right? Suppose a point is x1 y1. So y minus cos theta is equal to y2 minus y1, that is sin phi minus sin theta upon cos phi minus cos theta into x minus cos theta. Sorry, ये y1 के जगह sin theta होना चाहिए and here cos theta. Correct. So this is our equation and इस equation का हमें origin से distance find करना है. सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. दिस इम्प्लाइज वाई माइनस साइन थीटा इनटू इनटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन फाई माइनस साइन थीटा इनटू x माइनस cos थीटा. दिस इम्प्लाइज अगर ब्रैकेट्स ओपन करते हैं हम, y के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है. सो y इंटू cos phi माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos phi माइनस cos थीटा, विच इज़ फर्दर इक्वल टू, राइट साइड में अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, x इंटू साइन फाइव माइनस साइन थीटा माइनस साइन फाइव माइनस साइन थीटा इंटू इसके साथ में और क्या है, कॉस थीटा. करेक्ट. दिस इम्प्लाइज सो y इंटू दिस x इंटू दिस, दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे. राइट,
सो दिस इज वाई इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा माइनस एक्स इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा, करेक्ट। अच्छा, अगर इसको ओपन किया जाए साइन फाई साइन थीटा इंटू दिस, इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं, इट विल बी साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा कॉस फाई माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। एंड जो राइट हैंड साइड में टर्म है इसको भी हम ओपन करेंगे और लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बी माइनस साइन फाई कॉस थीटा, लेफ्ट में आके ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन फाई कॉस थीटा माइनस अगेन माइनस माइनस प्लस, राइट साइड में ये माइनस माइनस प्लस होगा बट लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस होगा माइनस साइन थीटा है दिस टर्म, दिस इज साइन फाई कॉस थीटा या एंड इट विल बी साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। इज इक्वल टू राइट साइड में अब कोई नहीं टर्म बचेगी इसलिए इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। इक्वल टू जीरो, राइट। दिस इम्प्लाइज नाउ वाई की टर्म को हमें एज इट इज रखना है, वाई इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, एक्स की टर्म को भी एज इट इज रखना है, एक्स इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है, राइट, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर सॉरी दिस इज नॉट साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा कॉस फाई, ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस है और ये साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव है, सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या हमारे पास प्लस में, दिस इज व्हाट साइन फाई कॉस थीटा एंड दिस टर्म माइनस साइन थीटा कॉस फाई इज इक्वल टू जीरो, विच एम्प्लाइज फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी हमारी वाई इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा माइनस एक्स इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सो दिस इज आइडेंटिटी फॉर साइन ऑफ ए माइनस बी फाई माइनस थीटा, फाई यहाँ पर ए होगा, करेक्ट, दिस इज इक्वल टू जीरो। नाउ ये लाइन की इक्वेशन आ गई, इस लाइन का हमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, ओरिजिन ओ इज जीरो जीरो, जीरो जीरो से हमें इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, सो इट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी विल बी कॉस थीटा, एक्स के जगह वाई के जगह जीरो पुट करना है, एक्स के भी जगह जीरो पुट करना है, दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी, बचेगा हमारे पास क्या सिर्फ साइन फाई माइनस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशेंट का स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करेंगे माइनस में ये प्लस हो जाएगा, साइन फाई माइनस साइन थीटा होल स्क्वेयर प्लस वाई के कोफिशेंट का स्क्वेयर कॉस फाई माइनस कॉस थीटा होल स्क्वेयर, करेक्ट दिस, ओके। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, न्यूमरेटर में कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं हो गया हमारे पास, सिर्फ डिनोमिनेटर को कुछ सिंप्लीफाई करना है, सो न्यूमरेटर इज साइन ऑफ फाई माइनस थीटा, करेक्ट, डिनोमिनेटर साइन स्क्वेयर, डिनोमिनेटर विल बी साइन स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस टू साइन फाई साइन थीटा, ये होगा प्लस, इसको ओपन करेंगे दिस इज कॉस फाई माइनस
कॉस थीटा। सो कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, टू कॉस फाइव कॉस थीटा, करेक्ट। दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, साइन ऑफ फाइव माइनस थीटा एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर को देखिए, साइन स्क्वेयर फाइव कॉस स्क्वेयर फाइव दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, वन, साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा ये दोनों भी मिलके क्या होंगे, वन। आइडेंटिटी, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज वन, सो ओवरऑल ये दोनों टर्म मिलके वन प्लस वन टू हो जाएंगी। बाकी जो हमारे पास बचा साइन फाइव दिस एंड दिस, इन दोनों में से आप माइनस टू कॉमन ले लीजिए। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैंने मिस कर दी है, मैं लिख देता हूँ, ये डिनोमिनेटर के ऊपर अंडर रूट भी होता है, सो यहाँ पर अंडर रूट रखना है आपको, दिस एंटायर टर्म इज इन साइड ऑफ अंडर रूट, राइट। ओके सो दिस विल बी टू प्लस टू माइनस, यहाँ से इन साइन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ये चारों टर्म्स टू बन चुकी हैं, सो हमारे पास बची हैं टर्म दिस एंड दिस, इन दोनों में से माइनस टू कॉमन ले लिया जाए अंदर क्या बचेगा। पहले मैं कॉस की टर्म लिख रहा हूँ, कॉस यहाँ से टू कॉमन ले लिया तो बाकी बचा कॉस फाई कॉस थीटा, कॉस फाई कॉस थीटा। अच्छा अब इस टर्म को देखिए, माइनस टू कॉमन ले चुके हैं सो प्लस बचेगा साइन फाइव साइन थीटा, करेक्ट। ओके नाउ इट इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू न्यूमरेटर एज इट इज साइन ऑफ फाइव माइनस थीटा, डिनोमिनेटर है यहाँ से हम, ये किसकी आइडेंटिटी है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सो दिस इज आइडेंटिटी फॉर, आइडेंटिटी फॉर कॉस, कॉस ए माइनस बी कॉस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी, सो कॉस ऑफ फाइव माइनस थीटा की आइडेंटिटी है ये, करेक्ट। दिस विच इज इक्वल टू, दिस इज साइन ऑफ फाइव माइनस थीटा, साइन ऑफ फाइव माइनस थीटा सॉरी अपॉन, यहाँ से टू कॉमन ले लीजिए, टू कॉमन लेंगे आप, दिस इज टू इन टू, सो इट विल बिकम वन माइनस कॉस ऑफ फाइव माइनस थीटा दिस, राइट। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज है, सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ फाइव माइनस थीटा, फाइव माइनस थीटा अपॉन टू इंटू वन माइनस कॉस ऑफ दिस, वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगेगी, टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, और थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा इज दिस, टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू फाइव माइनस थीटा अपॉन टू, राइट। दिस इज आइडेंटिटी फॉर, आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई टू, सो थीटा कंप्लीट क्या था यहाँ पर, थीटा माई फाइव माइनस थीटा, राइट। ये टू टू फोर हो गया, राइट। न्यूमरेटर इसका होल मोड है दिस, न्यूमरेटर में हमारे पास साइन ऑफ फाइव माइनस थीटा एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में टू और टू फोर हो गया, फोर रूट से बाहर आके टू हो जाएगा, ठीक है। एंड ये साइन स्क्वेयर, साइन के ऊपर भी स्क्वेयर है और रूट भी है, इसलिए बाहर आके ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ फाइव माइनस थीटा बाई टू, राइट। दिस इज आवर मॉड ऑफ दिस, दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन, करेक्ट।